हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर ये चले गए थे ड्यूटी और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अपने लिए मीन्स इसमें से बच्चे भी खा लेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने लिए, खुद के लिए, अकेले के लिए ही बना रही हूँ। एक्चुअली ये ड्यूटी चले गए थे तो उस टाइम ये टिफ़िन लेके गए थे, और टिफ़िन में ना ये आज रोटी सब्जी लेके गए थे, तो इसी वजह से मुझे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ा। तो इसीलिए मैं अलग से यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अब। और ब्रेकफास्ट में आज बनने वाली है मटकी, क्योंकि मटके पड़ी थी फ्रिज में। एक्चुअली ये अभी भिगोई नहीं थी, मैंने 2-4 दिन पहले भिगोई थी, उसमें से कुछ बनाई भी थी और कुछ बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने सोचा जब मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा तो तब मैं ये बना सकती हूँ, इसी वजह से मैंने ये रख दी थी। तो आज ये काम आ रही है। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है, एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और आजकल तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। आजकल मुझे बड़ा पसंद आ रहा है मस्टर्ड ऑयल, तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मतलब मस्टर्ड ऑयल में बनाया वो खाना पसंद आ रहा है, मस्टर्ड ऑयल बोल रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और उसमें अच्छा भी लगता है यार, टेस्टी लग रहा है आजकल मुझे, तो इसीलिए मैं उसमें ही बना रही हूँ। और मैंने तो रिफाइंड ऑयल खाना ही बंद कर दिया है, मतलब अपने लिए रिफाइंड ऑयल खाना ही बंद कर दिया मैंने। और जैसे इनके लिए बनानी हो सब्जी तो मैं बना देती हूँ रिफाइंड ऑयल में, कभी कभी बना देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। और बस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, उसमें क्या बोलते हैं तो जीरा वगैरह ऐड किया है, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और टोमेटो ऐड किया है। और बस इसको गलने तक वेट करूँगी। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है उसमें ही, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑयल कम ऐड किया था इसलिए थोड़ा सा वो जल जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। और इतनी मटकी बची थी तो यही मैं मटकी बना लूँगी अभी, और यही मेरे लिए भी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी हो जाएगी, बच्चे भी इसी में से खा लेंगे। तो ब्रेकफास्ट यानी कि ये जो मटकी का ब्रेकफास्ट होता है ना, थोड़ा सा हेवी हो जाता है। हेवी मीन्स क्या बोलते हैं, काफ़ी देर तक फुल रखता है पेट को, तो इसीलिए मतलब अच्छा है ये। मैं पता नहीं क्या देख रही हूँ उसमें, तो बस इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और ये पका लूँगी अच्छे से। और ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि इसका टेस्ट चला जाता है ज़्यादा पकने के बाद, तो इसीलिए अच्छे से चबाना चाहिए उसको। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कच्चा ही रखती हूँ उसे, ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। और ये 2 प्लेट मैंने माही के लिए और मेरे लिए निकाल ली है। माही ऊपर, एक्चुअली माही पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई मीन्स उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो इसलिए मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स निकाल लिए, मेरे इसमें से ही अद्विक खा लेगा। और अद्विक तो वैसे भी दूसरी चीज़ खा ही रहा था, बट इसमें से ही मैं उसे भी खिला दूँगी और माही के लिए भी लेके जाऊँगी ऊपर, क्योंकि वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अद्विक परेशान करता है ऑनलाइन क्लासेस के बीच में उसको, इसीलिए मैं ऊपर उसके ऊपर भेज देती हूँ उसको रूम में। और फिर ये ब्रेड खा रहा था वो, एक्चुअली उसे ना पीनट बटर और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खाती हूँ ना, तो इसी वजह से उसको आदत लग गई है पीनट बटर और ब्रेड की, तो खुद से ही मांगता है पीनट बटर और ब्रेड, और बहुत अच्छा भी रहता है, मतलब हेल्दी रहता है, तो मैं दे भी देती हूँ उसे। और हाँ, किसी ने मुझे ये बोला था कि आप पराठे दिया करो बच्चों को, आप मतलब जो भी खाते हो डाइट के लिए वो मत दिया करो, बट जो डाइट के लिए खाती हो वो ऐसा नहीं है कि वेट लॉस के लिए ही खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है वो, इसी वजह से मैं बच्चों को भी वही देती हूँ। क्योंकि वैसे बच्चे तो हेल्दी चीज़ें खाते नहीं हैं, दिन भर अनहेल्दी ही चीज़ें खाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पापड़ फ्राई करके दे दो, कभी पोंगी फ्राई करके दे दो, कभी चिप्स मांगते हैं फ्राई करके, तो कभी फिंगर्स मांगते हैं, तो ऐसी चीज़ें फ्राइड ही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कभी मैं अपने लिए बनाती हूँ तो वही चीज़ें मैं उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि हेल्दी चीज़ें भी खानी चाहिए बच्चों ने, नहीं तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मैं इडली वगैरह बनाती हूँ, सांभर वगैरह बनाती हूँ ना, बच्चों को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो सब्ज़ियाँ बिलते नहीं हैं, सांभर में जो सब्ज़ियाँ डली होती है वो सांभर तो भी चाव से खाते हैं बच्चे, मेरे बच्चों को सांभर तो बहुत ज़्यादा पसंद है और इडली भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से तो सांभर खा लेते हैं वो। और बस यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने नहा लिया था, उसके बाद जो काम होते हैं नहाने के बाद भी, कपड़े वगैरह वॉश करना, उसके बाद लंच बनाना, तो ये सारे काम हो गए। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में और उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी, मतलब लंच बनाने के लिए लग जाऊँगी। तो यहाँ पर
भिंडी ला के रख दी थी इन्होंने काफ़ी सारी, तो वो मैंने काट के रख दी है, क्योंकि काट के इसलिए रखी है थोड़ी सी सूख भी जाएंगी और उसके बाद जब भी मुझे बनाना हो तो इंस्टेंटली बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये काट के रख दी है। तो अभी इसमें से थोड़ी सी बनाऊँगी आज और थोड़ी सी बाद में बनाऊँगी, मतलब जब भी बनाना हो, बच्चों के लिए भी बना देती हूँ कभी कभी बीच में। बच्चों के लिए ना थोड़ी सी मतलब हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल के ही बनाती हूँ, ज़्यादा वो प्याज वगैरह डाले हुए पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो क्रिस्पी थोड़ी सी बनाती हूँ। तो बस आज भिंडी की सब्जी है लंच में बनेगी, और लंच मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि सिंपल सा लंच था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। भिंडी की सब्जी बनेगी, दाल चावल बनेंगे और रोटी बनेंगी, तो यही हमारा लंच होगा। तो चलिए फिर लंच कर लेंगे और उसके बाद मिलती हूँ डायरेक्टली शाम को। काय होणार? काय केलं आणि काय झालं? थोडा जोरात बोल ना पिल्लू। काय काय झालं? तो बस यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी ली थी और बैठे थे ऐसे ही बातें करते हुए हम लोग सब। तो ऐसे ही आप लोगों को तो पता ही है कि शाम को हमारा रूटीन क्या होता है, यहाँ पर आके बैठ जाता है, शाम को बाहर ही चाय पीते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं यहाँ पर, बातें बातें करते हैं, यही टाइम मिलता है हमें बातें बातें करने का। तो फिर तो बाद में सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और फिर मैं अपने शूटिंग में और इसमें बिज़ी हो जाती हूँ थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में, तो बाद में तो इतना टाइम नहीं मिलता है। और खाना वगैरह भी बनाना होता है तो डिनर की तैयारी भी करनी होती है, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो शाम को थोड़ी देर मैं आप लोगों की कमेंट वगैरह भी पढ़ती हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं बैठी थी यहाँ पे मोबाइल लेके आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। बस ऐसे ही शाम को टाइम स्पेंड करते हैं हम सबके साथ, और बस यहाँ पर अद्विक भी खेल लेता है थोड़ी देर, माही भी खेल लेती है उसके साथ कभी कभी, तो ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है शाम को यहाँ पे बाहर ही। तो शाम का टाइम हमारा बाहर ही रहता है और बस यहाँ पर हम लोग बैठे थे। और हाँ, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था तो इसी वजह से बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और आ रहा था, नहीं तो मैं वहाँ पर पोर्च में बैठी हूँ, तो यहाँ पर आज इसलिए बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था क्योंकि दोपहर में बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद का जो मौसम होता है आपको पता ही है कि कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम मुझे, और इसीलिए मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ पर अद्विक थोड़ा सा खेल लेता है, उसे भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। और ये ना शाम को पौधों को पानी लगाते हैं, तो आप सभी को पता है ये शाम का टाइम इनका पौधों को पानी लगाने का होता है, तो उस टाइम ये हमसे बातें करते हुए इनका टाइम निकल जाता है, हमारा भी टाइम पास हो जाता है और उनका भी टाइम पास हो जाता है ऐसे ही। हे गाइस, अभी बज रहा है 7 और यहाँ पर है मूंगफली, इन्होंने स्पेशल ये ला के रखी थी आज, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि अलग से मूंगफली ला के दो मुझे, और मैं आज बनाने वाली हूँ मूंगफली और गुड़ के लड्डू, क्योंकि कभी कभी बीच में मन कर जाता है मीठा खाने का, तो इसीलिए कुछ नहीं रहता है मीठा खाने के लिए, तो ये हेल्दी भी है। मैं इनको चिक्की लाने के लिए बोलती थी बीच बीच में, वो चिक्की लाते थे, बट अभी मैंने सोचा चलो गुड़ और मूँगफली के लड्डू बना के रख देती हूँ, बीच में बच्चों का भी मीठा खाने का मन किया तो वो भी खा लेंगे, और हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो और मेरे लिए भी अभी मेरा अगर मन किया मीठा खाने का तो मैं खा सकती हूँ, इसे हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है बट फिर भी मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत आवाज़ आ रहा है पीछे से क्योंकि टीवी भी चल रही है, मोबाइल में अद्विक कुछ देख रहा है, वो कॉमेडी वीडियोज़ वगैरह तो वो भी चल रहे हैं, और इनको पता नहीं अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तब तक आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिए मैं कैसे गुड़ और मूंगफली के लड्डू बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मूंगफली भूनने के लिए गैस पे कढ़ाई रख दी है, ये गर्म हो जाने के बाद मूंगफली उसमें ऐड करूँगी, और मूंगफली को हमें भून लेना है अच्छे से,
और भूनने के बाद उसके छिलके निकाल लेने हैं। बहुत से लोग कच्ची मूंगफली के भी बनाते हैं लड्डू, बट मुझे ना ऐसे ही टेस्टी लगते हैं भुने हुए मूंगफली के, तो इसीलिए टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे भुने हुए मूंगफली के। कुछ कुछ साइड में इसे मूंगफली को बादाम भी बोलते हैं, तो पता नहीं हमारे साइड में तो मूंगफली मतलब मूंगफली मीन्स शेंगदाने बोलते हैं, हम मराठी में तो शेंगदाने बोलते हैं इसे। तो बस यही अभी भून लूँगी, इसके बाद ही इसके छिलके निकलेंगे और इसके छिलके निकालूंगी ठंडे होने के बाद। फिर यहाँ पर तब तक मैं गुड़ की तैयारी कर रही हूँ, गुड़ मतलब कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं गुड़ को अगर मिक्सी के पॉट में डालूंगी तो वो मिक्सी के पॉट ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ना क्या करती हूँ कि गुड़ को वो कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर उसे मिक्सी में पीसती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मूँगफली रेडी हो गई थी, तो मैंने छिलके भी निकाल लिए थे, भून गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर पाउडर बना रही हूँ और उसको गुड़ में डाल रही हूँ और ये फिर साथ में मिक्स करूँगी और एक बार और मिक्सी में चला लूँगी, तो वो थोड़ा सा अच्छे से क्या बोलते हैं तो वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मिक्सी में चला लिया था और अभी इसके लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया है ये। और हाँ, इन्होंने जितनी मूंगफली लाई थी उतने मैं सारी मूंगफली के लड्डू बनाने वाली थी, बट जब देखा घर पे तो गुड़ ही नहीं था, मैं गुड़ मतलब लाने के लिए बोलना ही भूल गई थी इन्हें, तो इसीलिए फिर जितना गुड़ था उतने ही मुझे लड्डू बनाने पड़े। तो कोई बात नहीं, अभी ये ख़त्म हो जाने के बाद में बना लूँगी और लड्डू, बट ये अभी इतने बन गए हैं तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो बस लड्डू बना लूँगी इतने साइज़ के जितने हाथ में बैठते हैं उतने, और आपको तो पता ही होगा कि गुड़ और मूंगफली के लड्डू कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके हेल्थ के लिए। इससे आपके मतलब हड्डियाँ भी मजबूत होती है, दांत भी मजबूत होते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है। तो आपको तो पता ही है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके मतलब हेल्थ के लिए, और इससे वेट लॉस भी होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फैट होता है, बट ये जो फैट होता है वो गुड फैट होता है, इसी वजह से ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप इसे खा सकते हो, अगर आपका मीठा खाने का मन किया तो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस लड्डू को बनाने के, तो मैंने तो बना लिए हैं, आप भी बनाना और मुझसे ज़रूर शेयर करना कि कैसे बने हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो बन गए हमारे लड्डू, अभी इसे रख देती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो आज वेजिटेबल पुलाव बनाने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी रेसिपी होने वाली है आज। तो गाइस डिनर बन चुका है और अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके अलावा मेरे दो चैनल और है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।